नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपके लिए आज प्रेजेंट करने वाला हूं एसएससी जीडी दूर नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज बेहतरीन आपका टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये तो खास करके विशेष करके आपकी एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। रोज वीडियो आपको 4 बजे मिलती है, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हुई तो यहां से रोज वीडियो आपको प्रोवाइड होती है। दोस्तों आज का यह वीडियो क्लास 6 है, यानी 6 क्लास का मतलब आज 6ठा दिन है, तो हम इस वीडियो में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज बेहतरीन टॉपिक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर सीरीज का आपका दोस्तों पहला सवाल है, सीरीज आपकी दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपका क्वेश्चन मार्क इसके स्थान पर क्या आएगा। यहाँ से दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब क्या करना है इसे सॉल्व करना है। नंबर सीरीज बहुत ही अगर समझ में आ गई तो बहुत इजी है, तुरंत आपका लग जाएगा, और जरा सा आपका ध्यान भटक गया ना तो आप घंटों करते रहेंगे, आप कई मिनट खर्च कर देंगे और आपका नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके को मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों क्या है, यहाँ से इस सवाल को आप देखेंगे, 2 के बाद 1 आया, फिर 13, फिर 34, फिर 106, कैसे आया है दोस्तों। अब हम लोग नॉर्मली अगर सोचे, बहुत प्यार से देखना है क्योंकि इन्हें अगर मैं जल्दबाजी में बता दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लास्ट में अगर वीडियो में मज़ा आ जाए तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या है आपका ए नंबर जो सवाल है क्या है, यहाँ से अगर मैं दोस्तों 2 से 1 जैसे माइनस कर दूँ 1 आ जाएगा, लेकिन आपका फिर क्या है 13 से 1 यानी 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी इस सीरीज का ऐसा नहीं बनेगा कि 2 से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, लेकिन 1 से 1 माइनस करेंगे तो 13 थोड़ी आएगा, ये सीरीज आपका ये तरीका फेल हो गया। अब तरीका यहाँ से क्या लगेगा, अगर मैं आपसे कहूँ 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 3 माइनस करते 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का जैसे स्क्वायर कर देंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे आप प्लस अगर कर दें प्लस करेंगे, और आप अगर 1 प्लस आप कितना करेंगे 12 कर दें तो आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ से देखना है, जैसे आपका इतना किया, लेकिन ये कोई आपका तरीका नहीं है, कैसे नहीं है भाई, 2 के बाद 1 है तो अब क्या 0 आएगा, ये भी तरीका आपका कोई नहीं है। तरीका क्या है वो समझेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत प्यारा है। यहाँ से 2 कर लेंगे, 2 प्लस करेंगे, 1 का अगर हम करें तो 1 का क्यूब कर लें अगर तो, और माइनस 2 प्लस 1 का क्यूब यानी 2 1 3, 3 से 2 माइनस करें तो आपका 1 आ जाएगा, इतना ठीक है। यहाँ से 2 का हमने 2 प्लस 1 का क्यूब किया, माइनस 2 किया, हो गया आपका क्या 1 है, और प्लस करें अगर हम, और यहाँ से 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें, सीरीज देखिएगा बनती चली जाएगी, 1 है प्लस आपका 2 है और क्यूब कर दिया। अब आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, इस 1 में आपने 2 का क्यूब जोड़ा है, अब क्या करना 9 में कितना क्या करें हम कि 13 आ जाए, तो प्लस 4 कर दे तो आपका 13 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 12 1 13। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने किया है 13 तो यहाँ पे 13 लिखेंगे भाई, 2 किया 2 प्लस, यहाँ 1 है तो 1, तो अब 13 है तो 13 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे 3 का क्यूब अगर हम कर दें तो 3 3 9 3 27, 27 10 आपका 37, 37 और 3 40, और आपको क्या करना है 34 बनाना है, तो 40 से 6 घटा देंगे 34 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यह सीरीज आपकी बन रही माइनस 2 2 में 2 जोड़ेंगे 4 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यानी 2 2 का गैप है और 1 2 3 करके आपकी सीरीज जा रही है। तो आप अगला स्टेप कर लेते, 34 को लेते हैं, 34 को हमने ले लिया, अब क्या करना है प्लस 3, 1 2 3 का क्यूब किया तो अब 4 का क्यूब कर दीजिए
और माइनस प्लस माइनस, तो अब निशान कौन सा हो जाएगा आपका, चिन्ह प्लस का हो जाएगा। और दो दो का गैप चल रहा तो आठ कर देंगे, यहाँ से भाई दो दो चार, दो छः दो आठ कर दिया। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चार चक्कू सोलह, चक्कू चौंसठ और आठ आपका चौंसठ और छः आपका सत्तर और दो बहत्तर, बहत्तर में चौंतीस आप जोड़ेंगे, बहत्तर में चौंतीस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, छः सात तीन दस, एक सौ छः हो जाएगा, 106। अब अगली सीरीज क्या होगी, 106 को दोस्तों क्या करेंगे, 106 लिखेंगे, 106 प्लस 1 2 3 4 तो यहाँ क्या 5 का क्यूब करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे यार 2 4 6 8 तो अगला 10 हो जाएगा, लेकिन प्लस है तो माइनस का 10 होगा भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस बार माइनस चलेगा। सीरीज चल रही है आपकी 106 और 25 पंच 125, 125 और 6 आपका 231 से 10 जाएगा, यानी 231 से 10 माइनस होगा, 221 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, इतना इजी नहीं होते नंबर सीरीज के सवाल, खास करके इजी नहीं होते हैं, इन्हें लगाने में आपको टाइम लगता है, लेकिन एक बार इनका तरीका लॉजिक समझ में आ गया ना तो आप सेकंड में कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये कठिन आपके थोड़े सवाल होते हैं, तो बढ़ते दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड दोस्तों आपका सवाल है, बी नंबर लिख लीजिए या सेकंड लिख लीजिए, आपका सवाल है 2.7.31.119. आपका क्वेश्चन मार्क है और फिर 1923 है, यानी ये आपकी सीरीज दी गई है, ये आपकी सीरीज है, ऑप्शन आपके सामने है। अब इसमें इस स्थान पर, इस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपको निकालना है। क्या दोस्तों करेंगे, सबसे बेहतरीन चीज़ करेंगे, लेकिन इसमें इतना मैंने कहा आसान नहीं होता है, हम चीज़ों को आसान बनाएंगे। क्या है, यहाँ से अगर मैं दो पाँच, दो में पाँच जोड़ूँ तो आपका क्या हो जाएगा, पाँच दो सात हो जाएगा, लेकिन सात में अगर मैं क्या जोड़ूँ, सात में क्या जोड़ूँगा, पाँच जोड़ूँगा तो इकतीस थोड़ी ना होगा कि 31 हो जाएगा भाई, सात में पाँच जोड़ेंगे 12 होगा, 31 थोड़ी होगा। तो अगर मैं ऐसे सीरीज करके ले जाऊंगा तो लॉजिक नहीं बनेगा, लॉजिक नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे मैंने कहा दो दो का स्क्वायर किया, दो का क्यूब कर दिया और माइनस एक किया, दो दुनी चार दुनी आठ, सात हो गया, और इधर सात का भी तो क्यूब करना पड़ेगा भाई, सात का क्यूब करेंगे और माइनस एक करेंगे तो 342 हो जाएगा, नहीं लॉजिक बनेगा। अगला नंबर तो सात है, 31 है, नहीं बनना है, तो क्या करेंगे, लॉजिक है आपका, जब भी आप समझ जाइएगा, जब भी नंबर छोटे से और ज़्यादा बड़े की ओर बढ़ रहा हो, यानी आपका दो है और 1923 तक चला गया, तो कैसे गया, नंबर में इस सीरीज में कुछ ना कुछ गुणा कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तभी ये दो से 1923 तक पहुंच गया, वरना इतने इतनी सीरीज में इतना बड़ा नंबर कहां से आ गया। तो आप तुरंत देखेंगे कि कहीं ना कहीं नंबर कोई गुणा कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या है भाई, अब हम लॉजिक देखेंगे, दो चौक आठ हो गया, दो चौक आठ कर लिया, माइनस एक करेंगे तो सेवन हो जाएगा, सात हो गया। अब इस सात को लेंगे, सात या इसी सात को समझ लें, सात को लेंगे और चार से गुणा करेंगे, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस में क्या जोड़े, इकतीस हो जाए तो तीन जोड़ देंगे, इकतीस हो गया। अब क्या करना है, इकतीस लीजिए और चार से गुणा कीजिए, अब इकतीस चौकू आपका, इकतीस चौक कितना हो गया, चार एकम चार, चार तीन बारह, 124 हो गया। 124 में क्या घटाएं दोस्तों, 124 में क्या घटाएंगे, जो 119 हो जाए तो पाँच घटा देंगे, पाँच घटा दिया, 119 हो गया। अब जरा सा सीरीज पर नज़र डालेंगे, एक में दो जोड़ा तीन, तीन में दो जोड़ा पाँच, सीरीज चल रही है, इधर चार चार चल रहा है, तो ऐसे चलाते रहिए, सीरीज आपकी लॉजिक बन रहा है। क्या है, 119 हो गया इंटू चार करेंगे, अब क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस किया, अब आपका
एक तीन पाँच तो सात आ जाएगा, यहाँ से 119, 19 चौक आपका 76 होता है और 100 चौक 400, यानी कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से करेंगे, 476 प्लस 7 आपका 476 में 7 6 13 483 हो जाएगा, और 483 को लिख देंगे ऐसे, हम 483 को लिख देंगे। अब आगे की सीरीज अगर देखनी हो तो 483 को हम 4 से गुणा करेंगे और माइनस कितना करेंगे, 9 माइनस कर देंगे, 483 यानी आपका 4 या 12 का 2 हासिल 1, 4 8 32, 1 33 के 3 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 आपका 19, और आप गुणा कर देंगे, अगर गुणा नहीं, गुणा तो कर ही चुके हैं, और 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 करने से 32 से 9 माइनस कीजिए भाई, 32 से आप 30 दो माइनस करेंगे आपका 30 हो जाएगा, 7 और माइनस कर देंगे 1900 आपका 23 हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा 1923, क्लियर है, यानी 1923 आया। तो राइट आंसर फिलहाल हम लोगों ने इस सीरीज का निकाला है 483 यहाँ पे आएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। लेंथी सवाल है, बहुत हिसाब से लगाए जाते हैं, बहुत जटिल सवाल होते हैं, लेकिन इन्हें हम इजी बनाते हैं, थोड़ा बहुत अपना नॉलेज बढ़ा करके, जब भी सीरीज कम से बहुत ज़्यादा की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब उसमें मल्टीप्लाई होगा तभी तो यार बढ़ेगी। तो यहाँ से 483 फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये ऐसे वैसे सवाल नहीं है जो आपसे तुरंत लग जाए, ये सवाल SSC CGL में पूछे गए सवाल है, ऐसे ये नहीं कि कहीं और से उठा लाया हूँ, नर्सरी KG का सवाल है, PG और UKG का तो आप तुरंत लगा देंगे, SSC CGL के सारे सवाल आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों सी नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका दोस्तों अगला सवाल है, अगली सीरीज आपकी दी गई है 5, 7, 10, 36, 136 और क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है, इस सीरीज को सॉल्व करके यहाँ कौन सा नंबर आएगा आपको लिख देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि आप तुरंत लिख देंगे, इसमें लॉजिक का पता होना जरूरी है दोस्तों। अच्छा, ये अनसब्सक्राइब वाले पता नहीं किस दुनिया से आते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना है नहीं, बस अनसब्सक्राइब, अगर कोई यही कोई अगर डांस वाला चैनल हो या कोई तरह तरह की बातों वाला चैनल हो तो लोग तुरंत सब्सक्राइब करते हो, लेकिन एजुकेशन के लिए यहाँ आदमी अपने जो इंडिया में जागृत नहीं हो पाया है कि उसे एजुकेशन से मतलब हो, बहुत कम लोग होते हैं, हज़ार में कहीं 10 पढ़ने वाले होते हैं और आपके बाकी के नाच गाना देखने वाले होते हैं। तो फिलहाल उनकी बात छोड़ते हैं, हम सिर्फ अपने पढ़ने वाले भाइयों के लिए आपका ये चैनल है, आप पढ़िए और चीज़ों को समझिए। क्या करते हैं दोस्तों, आपका ये सवाल है जो इसमें आपको यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ये लिखना है, कैसे लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, अगर मैं कहूँ 5 × 1 + 2 आपका 5 ही है, 7 आ जाएगा, 5 × 5 = 2, 7 आ गया। अब आपको जो करना है वो 7 × अगर कैसे 10 आए तो 7 × 2 = 14 माइनस कर दीजिए आपका 4, यहाँ 10 आ गया। अब क्या करना है, 10 यहाँ लिखिए और 10 को 3 से गुणा कीजिए भाई, सीरीज देखिए 1, 2, 3 से करके देखते, 3 से कीजिए और प्लस माइनस तो अब की बार प्लस लगेगा और अंतर कितना चल रहा, 2, 2 तो इस बार 6 आएगा, बराबर देखते कितना आएगा, 10 × 30 और 6 = 36 जी 36 आ गया मेरा। अब 36 आ गया तो 36 को रखते और सीरीज क्या चल रही, 1, 2, 3, 4 लॉजिक आपका चल रहा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगला माइनस होगा, पिछला प्लस रह चुका है। अब अंतर इसका चल रहा है 2, 2 का तो 8 हो जाएगा, 36 चौक आपका कितना हो जाएगा, 35 × 70 यानी 35 × 100 आपका 40 होता है और 4 और जोड़ दीजिए, 144 में से 8 जाएगा तो 136 हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर है आपका 136 हो जाएगा। अब आप करीब आ चुके हैं क्योंकि आपका लॉजिक सही है, यहाँ से 136 × 5 कर देंगे माइनस का,
नहीं प्लस होगा क्योंकि पिछला वाला माइनस रह चुका है। भाई सीरीज देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इस बार प्लस हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा, 136 बचे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 136 बचे 5 छक्का 30 3 हो गया कैरी, 3 पचे 15 3 18 आपका एक कैरी हो गया, 5 एकम 5 एक 680 और 10 690 आपका आ चुका है। क्या यहाँ पर जो अंक आएगा वो 690 होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर मैं अभी स्पीड से सवाल लगा दूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, इतना पसीना बहाना व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, भले कम सीखें लेकिन हम अच्छा सीखें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, सीरीज दी गई है 12.6.6.12.48, आपका क्वेश्चन मार्क, इस स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। प्यारे दोस्तों ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, सामने है आपके, कैसे लगाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इस सीरीज को देखेंगे। और अब आपको देखना है कि सीरीज पहले बड़ी है फिर छोटी है फिर बड़ी है, यानी ऐसा जब भी सीरीज आएगी तब आपका एक लॉजिक 99.99% सही हो जाएगा। आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले सवाल को, अगर मैं 12 से 6 माइनस कर दूं तो ये वाला 6 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 6 से फिर से 6 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लॉजिक फेल हो गया, लॉजिक फेल हो गया। बनेगा कौन सा लॉजिक, इसमें 12 इंटू अगर 1/2 कर दें तो आपका 2 × 12 हो जाएगा, आपका 2 × 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आया। अब 6 को अगर हम 1 से करें, 6 को 1 से करें या इरेज कर देते हैं, आप सब समझ चुके हैं कि 2 से मैंने 12 को डिवाइड किया तब 6 आया है। यहाँ से 6 क्या करेंगे, 1 करेंगे, 6 एकम 6 हो गया, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, 6 इंटू 2 कर दीजिए या 6 इंटू 2 कर देंगे यार, तो 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 12 लिखेंगे इंटू, सीरीज देखिएगा बहुत प्यार से, आधा फिर एक, यानी 1/2 का दूना कितना है, 1 है, 1 का दूना 2 है, तो 2 का दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 12 चौक आपका 48 हो जाएगा। अब 48 हो गया तो इधर लिखेंगे 48 गुणा मैं कर रहा हूँ 1, 2, 4 के दूना से गुणा करेंगे, यानी 8 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 8×8=64। और सबसे फास्ट तरीका आप लोग जानते हैं क्या है, अगर आपका 8×8=64 आया और विकल्प में केवल इसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी आपका इसका भी यूनिट डिजिट जो आपकी गुड़ाएगी उसका यूनिट डिजिट जो आपका होगा वो 4 होगा, इकाई का अंक 4 होगा, आंसर भाई आपका है जो एक ही ऐसा विकल्प है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो आप कैलकुलेशन मत कीजिए, कोई गुड़ा मत कीजिए यार, यहाँ से सीधे आंसर लगाइए, फास्ट तरीके से कीजिए। अगर गुड़ा करनी हो तो 8×8=64 के 4 हासिल 6, 8×32 6 आपका 38384 आएगा, लेकिन इतना देखने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट मैच कर गया, काम खत्म। अगर अभी इसमें यूनिट डिजिट होता तो कर लेते यार, कौन सी दिक्कत थी, लेकिन जब मुझे मिला सीधा सीधा रास्ता तो मैं क्यों कानपुर से होके फिर वहां जाऊं, बॉम्बे जाऊं, मैं सीधे कोई और पास का रूट पकड़ूंगा, तो ये तरीका होता है आपका। अगला दोस्तों सवाल है, अगला दोस्तों आपका सीरीज दिया गया है, यानी दी गई है, मैंने जेंडर चेंज कर दिया है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, यानी आपका मेल का फीमेल हो गया है, फेमिनाइन हो गया है। यहाँ से सीरीज आपकी दी गई है 2, 9, 48, 235 क्वेश्चन मार्क 5901, इसमें इस स्थान पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, जब भी हमें क्या करना है, गुणा करनी है, जब सीरीज मैंने बताई है, जब सीरीज कम से और ज़्यादा बड़े की तरफ जाए तो क्या करते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि इस सीरीज में कुछ ना कुछ गुणा हुआ है। क्या करेंगे दोस्तों, 2, 5 से गुणा करेंगे, 2×5=10 और आपका माइनस 1 करेंगे, 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, 9 को यहाँ रखेंगे और 5 से गुणा करेंगे, 9×5=45 और कितना जोड़े, 48 आ जाए, 3 जोड़ देंगे, 48 आ जाएगा।
48 लिख देंगे। अब क्या करना है भाई, सीरीज देखिए, पाँच पाँच की गुणा हो रही, एक तीन, फिर अगला देखते क्या आएगा। यहाँ से 48 रखेंगे, पाँच से दो में हुई है भाई, ऊपर और नीचे दोनों में पाँच से हुई, इसमें भी पाँच से करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर देंगे, 48 पंचे, अब गुणा करनी है आपको क्या है, 48 पंचे 5 अठे 40, यानी अगर ऐसे हम ना करें तो 50 इसे मान लें तो 250 हो गया, और इसमें 10 कम कर देंगे 240 हो जाएगा, 240 से 5 माइनस कर दें तो 235 हो गया आपका, 235 हो गया। अब क्या करना, 235 को 5 से करते आ रहे हैं तो 5 से ही गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा। सीरीज देखिए, 2 1 2 3 3 2 5, यानी 2 2 का अंतर है तो अगली बार 7 हो जाएगा। अब देखिएगा, 5 5 25 के 5 हासिल आपका 2, 5 3 15 2 17 का 7 हासिल 1, 5 2 10 और 1 11 और 75 7 आपका 82, 1182 कहीं आपको दिख रहा है, 1182 आंसर आ जाएगा। सीरीज जब लॉजिक से चलती है तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, सीरीज इस लॉजिक से भाई चल रही, पाँच पाँच से गुणा हो रही, एक तीन पाँच सात, माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1182 यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ सवाल लिए हैं, क्योंकि आप सबको शुरू से पढ़ाना है, रीजनिंग पढ़ाना है, तो रीजनिंग की नंबर सीरीज से मैंने शुरू किया है, क्योंकि इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं और जल्दी माइंड में सेट नहीं हो पाते कि हम कैसे करें इन सवालों को, तो थोड़े से सवाल लेकर के आपके लिए आया था इस वीडियो में। तो आपने देख लिया वीडियो को, अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटिन्यू क्लास चलेंगे आपकी, पूरी क्लास करवाऊंगा एसएससी जीडी, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी रोज़ पर डे क्लास होगी, शाम 4 बजे करेक्ट 400 पर। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए दोस्तों, नंबर सीरीज के और भी कई सारे पार्ट आपके लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों लेते आज आपसे विदा, अगले वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।